ट्रांसपोज और इक्वल टू का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास ही आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये हो गया, ये ए मतलब ये फर्स्ट पोर्शन माना, ये सेकंड पोर्शन। तो ये फर्स्ट पोर्शन को अभी हम फाइनल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट चार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट चार से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मैंने टेबल यहाँ पे लिख दिए हैं। लास्ट प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन आया था, लास्ट प्लस इक्वल टू का मल्टीप्लिकेशन आया था वो यहाँ लिख दिया, और फर्स्ट चार का मल्टीप्लिकेशन जो था, फर्स्ट चार का जो टेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे देखिए अभी। तो जेड बी एन तो ऑलरेडी खाली है, तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है एल बी में देखिएगा। ठीक है, एल बी में है तो बी का देखिएगा, बी में कुछ है, हाँ है, बी में है तो हम बी में लिख देंगे, एल बी में। ठीक है, नेक्स्ट एल ए में, फिर ए में चेक करेगा इधर, ए में कुछ है, हाँ ए में ही है, तो एल के ए वाली जगह पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन कर देंगे, वन लिखेंगे। मगर हम लोगों को बाद में चेंज करना है, इसलिए मैं ग्रेटर देन का साइन बना चुका है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ए, तो ए की वैल्यू अब फिल होगी, तो ए में बी चेक करेगा, बी में बी था, ठीक है, बी में बी था। नेक्स्ट ए में ए था, तो ए में ए था, हम लोगों ने फिल कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद ये लेफ्ट खाली है, तो यहाँ मैंने ये लेफ्ट खाली कर दिया। नेक्स्ट राइट चेक करेगा, राइट में फिर बी और ए है, तो फिर से बी और ए चेक करेगा, तो बी ए में ये दोनों वैल्यू थी, हम लोगों ने कर लिया, यानी कि हमारा एक ग्रेटर देन का साइन हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का एस पी एम, यानी कि सिंपल अभी सुपर इम्पोज करेंगे हम इसको। ठीक है, अभी जितने भी हमारे पास इक्वल टू ये सब का साइन आया था, इक्वल टू ये सब, इक्वल टू का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो हमारे पास निकले थे, फर्स्ट देन सेकंड का जो भी वैल्यू आया था, हम सब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा ये टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टेबल याद रखना, और एक ये वाला टेबल, और जो ये लास्ट हमने ये किया था, ये वाला टेबल हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। और एक बात याद रखना कि ये सिम सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी कि एक के ऊपर एक ही कॉलर में दो तीन नहीं आएंगे, ये सब अलग अलग बटेंगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे है पास ट्री, अगर हमें चेक करना है कि ये पास ट्री है कि नहीं, ये स्ट्रिंग जो दी गई है हमें पास ट्री है कि नहीं है, तो ये इनपुट वैल्यू दिया हम लोगों को, तो हमको चेक करना है कि ये पास स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अभी चेक करेंगे, ये यहाँ पे याद रखना कि हम लोग पहले ही यहाँ पे लिख देंगे, ये फिक्स रहेगा, सॉरी ठीक है। अभी देखिएगा बी और लेफ्ट में, तो बी और लेफ्ट में चेक करेगा, बी और लेफ्ट में क्या है, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट चेक करेगा, लेफ्ट पे लेफ्ट क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन लिख दिया इसने। नेक्स्ट है लेफ्ट ए, तो लेफ्ट ए चेक करेगा, लेफ्ट का ए ये वाला साइन है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेगा ए ए, तो ए ए ए सॉरी ए ए पे क्या चेक किया, ये आया, तो अभी ए ए पे ये आया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे, ए ए पे आया ना, तो ए का वैल्यू क्या है, सिर्फ अगर ए का वैल्यू कट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कट हो रहा है, तो ए पे यहाँ पे क्या है, एम है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो हमें नई वैल्यू मिल गई यहाँ पे, तो अभी हम इसको लिखेंगे दोबारा से। सो हम लोगों ने ए की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर, एम, ठीक है। तो अभी अब फिर से चेक करेंगे वैल्यू, ये तो सब सेम ही आएगा, ये देखा था हम लोगों ने, लेफ्ट और बी का ये था, इसका ये था, ठीक है। नेक्स्ट अभी आया था, इसके जगह पे एम आ गया, तो अभी हम लेफ्ट और एम लिखेंगे, लेफ्ट एंड एम, वैल्यू फिर से एप्सिलॉन आएगा, तो एप्सिलॉन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देन एम एंड ए, एम एंड ए, एम एंड ए, तो हमारा ये है इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट ए और राइट, ए और राइट का चेक करेंगे, ए और राइट में हमारा क्या है, ए और राइट, सॉरी ए और राइट में हमारा है प्लस का साइन, तो हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट ए और राइट हो गया, अभी
राइट और ए, राइट और ए ये वाला साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। किसी हमें दो पेयर मिल गए, तो दो पेयर मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे इसको इसको, ये कट हो गया सॉरी, ये वाला इस वाले के साथ कट हो जाएगा। तो अभी कट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे एम ए, अभी इसके बीच में क्या क्या आ रहा है वो सब देखेंगे कि किधर ऐसा है एम ए और ये लेफ्ट। तो एम ए और लेफ्ट, एम ए एफ, एम ए और राइट किसर है एल में, तो हम इसको छोड़ के इन तीनों को छोड़ के ये तीनों हट जाएंगे, अभी ये तीनों हट जाएंगे यहाँ से और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा एल आ जाएगा। तो वो फिर से हम लिख, ठीक है पहले ये और यहाँ पे एप्सिलॉन आता है, फिर हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट है लेफ्ट एंड एल, लेफ्ट एंड एल चेक करेगा, लेफ्ट एंड एल प्लस का साइन है तो हम लिखे यहाँ पे प्लस लिख देंगे। नेक्स्ट एल और ए, एल एंड ए पे हमारे पास ये वाला साइन है, ठीक है तो फिर से हमारा ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल होकर हमारा और ये, तो हम चेक करेंगे ये वाला साइन किधर है कि अभी ये दोनों हुआ ना कैंसिल, बीच में ये दोनों आ रहा, तो अभी ये चेक करेंगे यहाँ पर कहाँ पर आ रहा हमारा, एम में आ रहा, तो इस दोनों को हटा के क्या आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा, तो एम आ जाएगा सेम बी एंड लेफ्ट कितना था एप्सिलॉन था। नेक्स्ट है लेफ्ट एंड एम, तो लेफ्ट एंड एम क्या है हमारे पास, लेफ्ट एंड एम हमारे पास क्या है एप्सिलॉन सॉरी लेस देन का साइन है, फिर एम एंड ए, तो एम एंड ए चेक करेगा, एम एंड ए प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस, सॉरी इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है ए एंड राइट, ए एंड राइट या प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट बी राइट एंड बी, राइट एंड बी, राइट एंड बी, राइट एंड बी इज दिस, सो हमें मिल गया वैल्यू दूसरी, हमारा कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है और दूसरा को कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें एम ए एन राइट, तो एम ए राइट हमारा क्या है एल है, एम ए राइट क्या हमारा एल है, तो एल लिखेंगे हम लोग उसकी जगह। नेक्स्ट हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एल लिख दिया, बाकी एज इट इज सेम आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन, और ये भी क्या आएगा सॉरी लेस देन। नेक्स्ट चेक करेगा लेफ्ट एंड एल, लेफ्ट एंड एल का हमारा क्या था इक्वल टू का साइन था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, मैं टेबल में जाकर नहीं चेक कर रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी जल्दी हो जाए ख़त्म। एल बी, नेक्स्ट एल बी यहाँ पे कहीं नहीं था तो मैंने यहाँ पे चेक किया एल बी, एल एंड बी, एल एंड बी पे हमारे पास ये है तो हम लोगों ने एल बी पे हमें लिख दिया, ये तो हमारा फिक्स रहता है, ठीक है तो हमें दो वैल्यू मिल गई। अभी क्या मिला है हमारा, एक ये कैंसिल हुआ है और एक ये कैंसिल हुआ है, तो बीच में हमारा कौन सी वैल्यू आई है, लेफ्ट एंड एल आई है, लेफ्ट एंड एल में हमारा क्या आएगा एम आएगा, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे एम लिखेंगे बी देन एम देन बी देन दिस सेम यहाँ पे दिस एंड दिस इज फिक्स। नेक्स्ट चेक करेगा बी और एम, बी एंड एम, बी एन एम इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट एम बी, एम एन बी इक्वल टू का साइन है, तो हमें वैल्यू मिल गई, ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, ये आया तो बी एम बी, बी एम बी का वैल्यू क्या है जेड है, तो हम लोग हमें मिल गया फाइनल आंसर, तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल, बी एम बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे। So the string is, so we got a final answer, so this string is parser. Okay, that's it.